क्या आप भी YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप भी गाड़ी बंगला और ढेर सारा फेम कमाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो पे बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार। आज हम शेयर करने वाले हैं ऐसे ट्रिक्स जिसमें अगर आपको हेजिटेशन होता है कैमरे के सामने आने में, अगर आपको हेजिटेशन होता है बातें करने में, अगर आपको हेजिटेशन होता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने में, अगर आपको हेजिटेशन होता है, आप मेहनत तो खूब कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन आपको फील करते हैं कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, कैमरा पे बात करना नहीं चाहते हैं, तो आप कॉपी पेस्ट करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। आपको यहाँ पे चलिए प्रूफ दिखा देते हैं। ये देखिए प्रूफ, ये देखिए दोस्त, मेरा फ्रेंड्स का, मैं खुद इस चैनल क्रिएट करने के लिए इनको मैं बताया था, वहाँ से उनका देखिए 48 डेज का देखिए कितना डॉलर उन्होंने अर्न किया। व्यू की बात करें फ्रेंड्स तो 7,11,000 के करीब करीब व्यू है, और वॉच टाइम की बात करें तो 42K के करीब वॉच टाइम है। सब्सक्राइबर की बात करें तो सिर्फ 28 दिन में इनका करीब करीब 7,750 सब्सक्राइबर गेन हुआ, और इस्टीमेट अर्निंग का बात करें तो 28 दिन का इनका अर्निंग है 8,950। दोस्तों अब बात दिखा दिया कि आखिर जो मैं फंडा बताने वाला हूं, जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं, जो मैं सिस्टम बताने वाला हूं, उसमें आप और कितना पैसे कमा सकते हैं, कौन कितना पैसा कमाया और कौन कितना पैसा कमा रहा है, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ मोटिवेशन के लिए आपको दिखाए कि हम जो वीडियो क्रिएट किए थे उस क्रिएट करने का प्रोसेस बताए थे, उससे मेरे फ्रेंड्स कितना कमा रहे हैं। चलिए आपको हम पूरा प्रोसेस बताएंगे फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए क्या होगा, आपको कंसिस्टेंसी मतलब लगातार लगे रहना होगा। ऐसा नहीं देखिए, आप फेस वैल्यू तो अपना बना नहीं सकते क्योंकि आप फेस का वहाँ कॉन्टेंट डालिएगा नहीं, आप अपना वॉइस दे नहीं सकते क्योंकि आप बोल रहे हैं वॉइस वाला की जरूरत ही नहीं उस कंटेंट में। अगर वॉइस देते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा, वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो फंडा मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या है, आपको रेगुलरिटी, आपको मिनिमम आपको 10 से 20 से 30 से 40 50 वीडियो हर दिन अगर आप चाहते हैं डालना तो हर दिन भी डालिए, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि एक अल्टरनेट करके 2-3 दिन पे एक वीडियो डालिए, वो डिपेंड आपके परफॉर्मेंस पे करता है कि आप कितना जल्दी एडिटिंग करना सीख जाते हैं, कितना जल्दी आप वीडियो जो मैं बताऊंगा वो डाउनलोडिंग करना सीख जाते हैं, कितना जल्दी आप ऑडियो डाउनलोडिंग करना सीख जाते हैं, कितना जल्दी आप अच्छा अच्छा थंबनेल बनाना सीख जाते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, आपके क्यूरियसिटी पे चलता है, डिपेंड करता है कि आप कितना कमाइएगा, वो आपके डिसीजन है कि आप कितना कमा सकते हैं, आप कितना कमाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं, इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि देखिए कोई भी काम करना बहुत ही आसान होता है तब जब आप सीख जाते हैं। देखिए सीख करके लोग एरोप्लेन तक चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, यहाँ तक चांद पर चले गए, और न सीख करके अभी भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिसको साइकिल तक चलाना नहीं आता है। उस पर डिपेंड करता है, आपको सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीखते हैं, आप कितना सीख करके इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना होगा, मेरा वीडियो नहीं किसी का भी वीडियो देख लीजिए, लेकिन बहुत लोग वीडियो पे आते हैं और बस थोड़ा सा देखते हैं, कट 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 कर देखे और निकल गए, तो वहाँ पे आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिला। अगर आप फुल फ्री फुल प्रोसेस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए एक हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक स्टोरी आपको समझा देता हूँ, जो स्टोरी आप अगर आप समझ गए तो आप समझिए पक्का यूट्यूबर बन गए। आप इस प्रोसेस को श्योर आप फॉलो कीजिएगा और आप भी अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा पैसे यूट्यूब से, और यूट्यूब में इतना सारा पैसा नहीं, इतना सारा पैसा कि आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम बोनेशन नहीं है, आप कहीं भी जहाँ भी हैं वहीं रह करके काम सकते हैं कर सकते हैं, वहीं से आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए आपको हम एक स्टोरी सुनाते हैं। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, और वो क्या दो लकड़हारा को बुलाया अपने घर में, और उनके बहुत बड़ा घर मतलब बहुत बड़ा जंगल था, उससे बोले कि जो भी व्यक्ति लकड़ी काटेगा, दो मतलब दो लकड़हारा था, दोनों को बुलाया, बोले कि जो व्यक्ति लकड़ी काटेगा पाँच मतलब कि पाँच पेड़ काटने पर $1, उस समय शायद अंग्रेज थे, उन्होंने बोला पाँच अगर काटोगे लकड़ी तो $1 मिलेगा, उसी के हिसाब से दोनों काटने के लिए बैठ गए। एक जो था मतलब ए फर्स्ट वन जो था फर्स्ट दिन में करीब करीब 25 पेड़ काट दिया, यानी 25 पेड़ के मतलब उसके पास $5 हो गया, और सेकेंड वाला था मात्र 15 पेड़ ही काटा। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन जो सेकेंड वाला था फर्स्ट वाला था वो भी फिर से 25 पेड़ काटा, लेकिन सेकेंड वाला 20 पेड़ काट दिया। अब क्या तीसरे दिन क्या हुआ, जो फर्स्ट वाला था वो 20 ही पेड़ काटा, और जो फर्स्ट सेकंड वाला था वो भी 20 पेड़ काटे। फिर जो फर्स्ट वाला था वो क्या किया कि 15 ही पेड़ काट पाया, बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करता रहा, उसके बावजूद भी वो 15 ही पेड़ काटा, और जो सेकंड वाला था वो 20 के 20 पेड़ काटते चले गए, क्योंकि दोनों देख करके दोनों मेहनत बराबर करते थे, लेकिन एक क्या था ज़्यादा ही
इसके पास स्किल था, पेड़ काटने में माहिर थे और शुरू में काटे बहुत जीत और मेहनत से लगाने के बाद 25 पेड़ काट लिए थे, लेकिन सेकंड वाला के पास स्किल कम था, इसीलिए वो 15 से 20 से 25 पेड़ ही काट पाया। अब क्या वो फर्स्ट वाला व्यक्ति जो था जो पेड़ काट रहा था वो क्या किया, 15 पेड़ ही काट पाया, और जो सेकंड वाला व्यक्ति था वो 25 पेड़ काट दिया। फिर फर्स्ट वाला व्यक्ति क्या 10 पेड़ काटा, और जो सेकंड वाला था वो क्या 25 पेड़ काट दिया। अब क्या डेली जो राजा थे आकर के हिसाब लेते थे और पूछते थे, दोनों को पैसे दिया करते थे कि ये लो तुम्हारा इस दिन का दिहाड़ी। अब क्या फर्स्ट वाला का परफॉर्मेंस कमता चला गया, लेकिन सेकंड वाला का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता चला गया। यहाँ पे राजा बोला ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्या हो रहा। फर्स्ट वाला को बोलेगा ऐसा क्या हुआ, तुम तो शुरू दिन 25 पेड़ काटे थे, अब तुम 15 पे आ गए यार। अब सेकंड वाला से बोले भाई तुम क्या किया ऐसा कि तुम शुरू दिन 15 पेड़ काटे थे, अब तुम 25 पे चले गए, तुम्हारा एवरेज 25-20-30 चलता जा रहा, लेकिन इसका परफॉर्मेंस कम होता जा रहा, फर्स्ट वाला का परफॉर्मेंस कम होता जा रहा। बहुत मतलब फर्स्ट वाला को बहुत हेडेक हुआ, और वो क्या हुआ कि दौड़ता उसका जो क्या बोलते हैं कारपेंटर मतलब बड़ी का जो एक गुरु होता है संस्था होता है वहाँ गया और उसे पूछा कि देखिए हजूर मैंने पहले 25 पेड़ काटा था और अब मेरा परफॉर्मेंस बहुत घट गया, मात्र 10 से 15 पेड़ काटता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो अभी नया स्किल सीखा था वो 25 से 30 पेड़ काट लेता है, वो रेगुलर काटता ही जरा, इसका क्या रीजन है। अब क्या हुआ, वो जो वहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति जिनके पास ये गए थे पूछने, वो बोला कि एक बात बताओ, जब तुम पेड़ काटते हो तो कितना देर के रेस्ट लेते हो और क्या करते हो। तो फर्स्ट वाला बोला कि मैं रेस्ट उस नहीं लेता हूँ, मैं मॉर्निंग में जो उठता हूँ काम करने के लिए निकलता हूँ, मैं लगातार करता ही रहता हूँ और कभी नहीं रुकता हूँ, मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ तो भी मैं 15 से 15 ही पेड़ काट पाता हूँ। सेकंड वाला से पूछा गया कि ये बताओ जब तुम काम करते हो तो क्या करते हो, तो बोला कि जब भी मैं एक पेड़ काट लेता हूँ उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जब भी मैं पेड़ काट लेता हूँ तो 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। इसी तरह से सेकंड में फर्स्ट वाला से फिर पूछे कि भाई तुम अगर रेस्ट नहीं लेते हो तो फिर तुम पेड़ कैसे काट लेते हो, तो बोला कि सर मैं काटते रहता हूँ और मैं रुकता ही नहीं, बहुत जी तोड़ मेहनत करता हूँ। फिर सेकंड वाला से बोला कि ए बात बताओ जब तुम रेस्ट 5 मिनट लेते हो तो तुम क्या करते हो, तो बोला कि जब भी मैं रेस्ट लेता हूँ उस समय मैं अपने कुल्हाड़ी को बजाता हूँ, मैं उसे तेज करता रहता हूँ। अब ये बात बुद्धिमान व्यक्ति जो गुरु थे उनको समझ में आ गया, बोले कि ए बात बताओ, फर्स्ट वाला से पूछे कि ए बात बताओ आप तुम कुल्हाड़ी को कब बजाए थे, तुम कब मतलब कि तेज किए थे कुल्हाड़ी को। तो फर्स्ट वाला बोला हुजूर मैं जिस दिन लगा था काम पे उसी दिन तेज किया था, उसके बाद मैंने कुल्हाड़ी को तेज किया ही नहीं। अब गुरु को समझ में आ गया ये बातें कि देखो तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, तुम क्या हो गधे जैसा लगे हुए हो, तुम कभी नॉलेज लेने की कोशिश किए ही नहीं। और जो सेकंड वाला था क्या था, वो जब भी 5-10 मिनट का रेस्ट लेता था तो अपने धार को शार्प करता था, स्किल सीखता था और वो ग्रोथ करता चला गया, लेकिन तुम क्या हुए, वो लकड़ी काटता था तो जो तुम्हारा औजार था वो भोतर होते चला गया, तुम्हारे पास स्किल होते हुए भी तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम जो औजार यूज कर रहे हो इफोर्ट तो पूरा लगा रहे हो लेकिन बार सही से नहीं हो रहा, सही जगह सही से नहीं कट रहा। ये सोच करके फर्स्ट वाला फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर गया भाधार बजाया और उसके बाद में सेम परफॉर्मेंस से वो काम करने लगा। तो देखिए फ्रेंड्स यूट्यूब पे भी यही इंप्लीमेंट होता है। देखिए आपको क्या सीखते रहना चाहिए, आप सीखते रहिएगा तभी आप इसमें ग्रोथ हो पाइएगा। ऐसा नहीं कि आज किसी का वीडियो देख लिए मोटिवेट हो गए, मोटिवेट होने के बाद एक दो वीडियो बनाए उसके बाद में फिर स्थिर पड़ गए, उसके बाद में कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे यूट्यूब पे सक्सेस होना इम्पॉसिबल है, कोई भी व्यक्ति सक्सेस हो ही नहीं पाएगा। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं शायद इसको देख करके आपके अंदर भी मोटिवेशन आ जाएगा और आप एक दो वीडियो बनाइएगा उसके बाद में बोलिएगा इसमें सक्सेस मिलता ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स बिना फेस वाला वैल्यू बिना फेस वाला वीडियो जो क्रिएट कर रहा वो लाखों करोड़ रुपया में कमा रहा, अकेले नहीं हजार इंप्लाई रख करके बिना फेस वाला वीडियो क्रिएट लोग कर रहे हैं और वहाँ से लाखों कमा रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि उस पे उसको क्रिएट करना बहुत इजी है और कम समय में क्रिएट हो जाता है बिना फेस वाला वीडियो। और बिना फेस वाला वीडियो देखिए इसमें क्या है, जो अब टॉपिक मैं बताऊंगा उसमें आपको किसी तरह का चूज नहीं करना, किसी तरह का मतलब कि आपको इफोर्ट नहीं लगाना, बस क्या करना आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको वीडियो कहीं से जहाँ से मैं बताऊंगा वहाँ से उठाना है और ऑडियो जहाँ से बताऊंगा वहाँ से उठाना है और थंबनेल मैं बनाने के बताऊंगा वो थंबनेल जैसे बताऊंगा उसी टाइप से बनाना है और टाइटल जैसे बताऊंगा उस तरह से टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन जैसे बताऊंगा उस तरह डिस्क्रिप्शन लिखना है और टैग जैसे बताऊंगा बस टैग लिखना है। आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करना ही नहीं पड़ेगा, आप आसानी से जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसे फॉलो करके आप अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे अगर आप पूरा ये वीडियो देख लीजिएगा तब।
और हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर किसी तरह का डॉट आपको वीडियो देखने के बाद होगा तो बेधड़क होकर के मुझे कॉल करें, बेधड़क होकर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई देंगे और व्हाट्सएप जितना हो सके आपको मदद करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप वीडियो देखते हो तभी हम लोग का अर्निंग होता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो व्यूअर हो उनको अच्छी तरह से जो मैं सिखाता हूँ उनको पूरी तरह से नॉलेज मिले जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, हमें क्या करना हो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को वीडियो क्रिएट करना होगा। चलिए, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो मैं चलिए आपको डेस्कटॉप पे बता देते हैं, और कैसे भर भर के लोग पैसे कमा रहे हैं आपको डेस्कटॉप पे चलिए दिखाते हैं। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, चलिए आपको मोबाइल से ही दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो उनके पास लैपटॉप सिस्टम नहीं होता है, तो क्या मोबाइल से ही क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए आपको मोबाइल से ही दिखा देते हैं, हम सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, हम लैपटॉप को यूज नहीं करते हैं, आपको मोबाइल से ही बताते हैं। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपसे शेयर कर लेते हैं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो बना करके हजारों लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सिंपल सा यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब पे आपको हम ट्रेंडिंग टॉपिक दिखा देते हैं कि लोग कॉपी पेस्ट करके कितना लाखों रुपया कमा रहे हैं एकदम सिंपल सा वीडियो बना करके। और इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बट आउटसोर्स करना होता, वीडियो आउटसोर्स कीजिए, इमेज आउटसोर्स कीजिए, म्यूजिक आउटसोर्स कीजिए, और सब विदाउट कॉपीराइट। आपको अलग अलग साइट बता देंगे जहां से आप आउटसोर्स कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे लोगों को जिंदगी बदल रही है ये एक सिंपल स्टेप से। तो चलिए हम शेयर करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए क्यूट डॉग। क्यूट डॉग जैसे ही सर्च करते हैं तो देखिए उसका क्या सर्च इंजन में आता है, काफी मतलब कि हम भीड़ एरिया में रहते हैं तो नेट यहाँ काफी स्लो चलता है, इसलिए शायद आपको यहाँ पे सर्च लेवल में दिक्कत हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बेबी डॉग क्यूट फनी डॉग वीडियो 68 मिलियन, यहाँ पे 68 मिलियन मात्र 2 साल पहले ये वीडियो डाला गया है। यहाँ पे व्यू की बात करें तो 68 मिलियन इसका व्यू है। सेकंड मोस्ट वीडियो को देखें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 68 मिलियन के बाद 1 साल पहले वीडियो डाला गया है, ये 1 साल पहले वीडियो डाला गया है, और 1 साल पहले 7 मिलियन है। आगे बात करें फ्रेंड्स तो 48 मिलियन, 1 साल पहले ही वीडियो डाला गया है, इसका 48 मिलियन व्यू है। आगे एक सेकंड आगे दिखा दें आपको हम, कॉपीराइट आ जाएगा जब चलने लगा वीडियो, तो इसको हम बैक चलते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टिकटॉक चोपो को सोच मिनी फनी एंड क्यूट, यहाँ देखिए 90 मिलियन वीडियो, मतलब 90 मिलियन वीडियो देखा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगी कैसे इतना लोग कॉपी पेस्ट करके के इतना व्यू आ जाता है और इससे लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं लोग, मतलब समझ रहे हैं 68 मिलियन के मतलब समझ रहे हैं कितने पैसे उनको मिला होगा, 7 मिलियन के मतलब समझ गए, 48 मिलियन के मतलब समझ सकते हैं आपकी कितना पैसा इनको मिला होगा। तो ये सब क्यूट डॉग कर सकते हैं, क्यूट कैट कर सकते हैं, ये सब इस टाइप का वीडियो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है थंबनेल में, इस टाइप का वीडियो आप आराम से आउटसोर्स करके डाल सकते हैं। वो आपको हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज इस वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए क्यूट डॉग क्यूट, मतलब कि आप क्यूट करके कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, नेचर से रिलेटेड आप वीडियो बना सकते हैं, आप नेचर का थंबनेल डाल करके नेचर वीडियो आप डाल दीजिए, यहाँ पे नेचर से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा जिसको आप आउटसोर्स करके और इसको मर्ज करके आप वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, इस पे कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, उसका भी फंडा आपको बता देंगे। अब देखिए कॉपीराइट अगर आप यूट्यूब से आउटसोर्स करते हैं फ्रेंड्स, तो एक सिंपल सा इसमें बताते हैं हम कि अगर आप यूट्यूब से आउटसोर्स करते हैं तो जब भी आप कुछ भी सर्च कीजिए तो वहां पे देखिए यहाँ फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा, फिल्टर पे क्लिक करना है आपको, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद जैसे कि देखिए फिल्टर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फीचर में आकर के क्रिएटिव कमेंट पे क्लिक कीजिएगा, तो जितने भी क्रिएटिव कमेंट मतलब कि रीयूजुअल कंटेंट, जो भी क्रिएटिव कमेंट का मतलब होता है रीयूजुअल कंटेंट रहेगा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस वीडियो को डाउनलोड करके एडिट करके आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉपीराइट इस जितने भी वीडियो यहाँ पे दिख रहा है इसको आप रीयूज करते हैं तो कोई कॉपीराइट आपको
नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम आप विधायक होकर के यूज कर सकते हैं। आप देखिए क्विट डॉट पे ही कॉपीराइट कंटेंट का देख लेते हैं, क्रिएटिव कमेंट देख लेते हैं। अभी हम करते हैं क्विट कैट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्विट कैट करते हैं तो देखिए इस पे भी यहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा जो क्रिएटिव कॉमन है, रीयूजेबल कंटेंट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर में आने के बाद यहाँ पे भी क्रिएटिव कॉमन सिलेक्ट कर लेते हैं। हम क्रिएटिव कॉमन सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्रिएटिव कॉमन मतलब ये सारे वीडियो जो आप यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे है। तो नेट काफी स्लो है मेरा एरिया में, इसलिए हम कम वीडियो भी डाल पाते हैं, क्योंकि एक एक वीडियो अपलोड करने में मतलब 12-12, 24-24 घंटा लग जाता है। अब देखिए ये सब जो भी आप रीयूज कीजिएगा इस टाइप का कंटेंट, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। वो कैसे रीयूज करना है पूरा वीडियो पे बने रहे हैं, आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मान लिया कि ये वीडियो डाउनलोड करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, ठीक है। और ये देखिए जो यहाँ पे वीडियो ओपन हो रहा है, ठीक है, वीडियो ओपन हो रहा है। यहाँ पे क्या करना, मात्र यहाँ पे पीपी डालना है और जैसे ही डालिएगा एंटर मारिएगा ये वीडियो को ऑटोमेटिक ये विंडो खुल करके आएगा, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, हम करेंगे करके यहाँ नहीं बताएंगे, आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि डाउनलोड करने बैठेंगे तो ये डाउनलोड होने में 2-3 घंटा लग जाएगा, तो आप खुद कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि रीयूज कंटेंट हम कैसे ढूंढें। अब बात होता है कि देखिए ये तो हो गया कि यूट्यूब का अगर आप वीडियो लेते हैं तो आप यहाँ से रीयूज कंटेंट लेते हैं तो आप कैसे एडिट करें, एडिट करने का पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे, वीडियो काफी लंबा होगा। तो प्लीज अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाना, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने पहले भी स्टोरी के माध्यम से समझाया आपको कि आपको शार्पनेस होना है, अपने आप में आपको पूरा मोटिवेटेड रहना है, तभी आप यूट्यूब पे सक्सेस हो पाइएगा, नहीं तो कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होता बिना डेडिकेशन से। तो चलिए ये तो एक आपको एक स्टेप बता दिया कि आप कैसे मतलब कि जो वीडियो में बता रहा हूं वो सब डाल करके आप कैसे लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दूसरा आता है कि आप अगर हम आप YouTube से रीयूज नहीं कंटेंट यूज करना चाह रहे हैं तो आप कहां से ऑर्सोस वीडियो कीजिएगा, कहां से ऑर्सोस पिक्चर कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्सल्स गूगल पे सर्च कीजिए, पिक्सल्स और एंटर मारिए, पिक्सल्स सर्च करके एंटर मारिए। और जो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा फ्री स्टॉक फोटो रॉयल्टी फ्री स्टॉक इमेज कॉपीराइटेड, आप पिक्सल्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बतेरे आपको इमेज मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप रीयूज कर कॉन्टेंट डाल करके आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, वीडियो पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे जैसे मान लिया कुछ भी, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है वीडियो, तो वीडियो पे आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्विट डॉग लिख दीजिए। अब जैसे क्विट डॉग्स लिखिएगा यहाँ पे देखिए कितना सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को रीयूज कर सकते हैं, कोई भी इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। अब देखिए मान लीजिए वीडियो को हम प्ले करके देख लेते हैं और यहां से देखिए राइट कॉर्नर पे यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी कॉपीराइट ऑप्शन इस पे नहीं आएगा। अभी देखिए वीडियो हम चला करके भी दिखा देते हैं, ये कितना सुंदर मतलब कि डॉग्स है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र यहाँ फ्री का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए कॉपी ज्वाइन साइन अप सेव इस टाइप का ऑप्शन है, आप कुछ नहीं इसको ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। इसको आप कहीं भी सेव का ऑप्शन है, यहाँ देखिए यहाँ वीडियो का नाम लिख करके आ गया, दिखा देते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए वीडियो आ गया, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके सेव कर दीजिए।
अब देखिए क्योंकि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया तो इसको हम डाउनलोड नहीं करना, इसको हम पॉज कर देना, क्योंकि डाउनलोड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। शायद वो डाउनलोड भी हो गया, बहुत मतलब छोटा फाइल था तो डाउनलोड हो गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे वीडियो डाउनलोड करें। इसी तरह से आपको क्या करना है कि तरह तरह का वीडियो आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उसको एक फाइल बना लेना, फाइल बना करके उस फाइल में रखना। पूरा प्रोसेस बताएंगे तो ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए जो वीडियो आप डाउनलोड किए हैं तो उसका म्यूजिक, जो बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर चेंज कर दीजिए, तभी आपका वीडियो ग्राउंड म्यूजिक जरूर चेंज कर दीजिए। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए क्या करना है आपको, फिर आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा स्टेप्स है जिसको फॉलो करना। आपको जाना है गूगल पे, गूगल बाबा पे सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। एक अठन्नी एक चमन्नी आपको नहीं लगाना है, आपको यहाँ आना है और यहाँ टाइप करना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। अब देखिए यहाँ यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी आ गया। ये जितना भी लाइब्रेरी है सब फ्री ऑफ कॉस्ट में है, आपको यहां से मिल जाएगा, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम यहां से नहीं मिलेगा। अभी देखिए खुला, पहले भी बता दिया मेरा नेट काफी स्लो है तो थोड़ा टाइम लगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको ध्यान से वीडियो जरूर देखना है। अगर पूरा सीखना है तो आप सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। ये देखिए खुला, पहले भी बताया था कि देखिए सीख करके आदमी हेलीकॉप्टर जहाज सब कुछ चलाया जा सकता, और ना सीख करके लोग साइकिल तक नहीं चलाते हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है, सीखोगे तभी बढ़ोगे। खुल रहा फ्रेंड्स, थोड़ा वेट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा हम पॉज कर देते हैं। नहीं नहीं डायरेक्ट पॉज नहीं करेंगे वीडियो को। थोड़ा टाइम लग रहा, वेट कीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, रखना सीखिए, क्योंकि यूट्यूब पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं यूट्यूब पे तो बिना पेशेंस के आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे महीना दो महीना तीन महीना या 10-15 दिन में, वो डिपेंड करता है आपके लक पे। आप मात्र 2 से 4 दिन में भी सक्सेस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके लक पे, आपके कंटेंट पे, आप कितना अच्छा कंटेंट डालते हैं उस पर डिपेंड करता है। अभी देखिए इतना सारा वीडियो लाइब्रेरी आ गया, मतलब ऑडियो लाइब्रेरी आ गया, कोई भी यहाँ से आप चला करके इसको डाउनलोड कर करके आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, इतनी सारी ऑडियो लाइब्रेरी है, इसको भी क्या करना, आप कैसे डाउनलोड करें आपको बताते हैं। तो मान लिया कि आपको देखिए चला करके जरूर देखिए कोई भी ऑडियो लाइब्रेरी, तभी आपको साउंड समझ में आएगा। डन कर दीजिए, तो दोस्तों आप समझ गए कि आप ऑडियो लाइब्रेरी कहां से लाएंगे, ऑडियो कहां से लाएंगे और वीडियो कहां से लाएंगे। अब आपको हम बता दें कि आप थंबनेल, थंबनेल के लिए भी आपको क्या करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा। आपको गूगल थर्ड स्टेप जो बता रहे हैं, थंबनेल आपको कहां से लाना है, आपको कहां जाना है, गूगल पे जाना है, गूगल बार पे जाना, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। और यहां पे फिर वही पिक्सल्स पे जाना है, पिक्सल्स पे जाना है। अगर मान लिया पिक्सल्स को खोलना है और यहां पे मान लिया कि क्यूट डॉग पे आप वीडियो बनाने जा रहे हैं या क्यूट कैट पे वीडियो बनाने जा रहा है, तो बस उसका थंबनेल डाउनलोड कर लेना है। देखिए इमेज वहां से डाउनलोड करना। अब देखिए इतनी सारी इमेज है फ्रेंड्स, वो आप चाहें तो आप जैसा इमेज लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, कितना क्यूट क्यूट इमेज है, यहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया और इसको आप सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप तीन चीज समझ गए कि आप सबसे पहले बताया कि जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसका मैं बताया कि देखिए जो जो वीडियो मैं बताऊंगा, जैसे मैं आप नेचर से रिलेटेड बनाते हैं, आप कैट डॉग मतलब क्यूट चीज जो है उसका वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप भर भर के यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मिलियन में व्यू आता है, इंडिया से नहीं, अलग अलग कंट्री से भी इस वीडियो, क्योंकि इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता,
लोग देखना पसंद करते हैं तो इस टाइप का वीडियो डाल सकते हैं। दूसरा, आप समझ गए कि आप वीडियो कहां से लाएं, आप यूट्यूब का रिक क्रिएटिव कॉमन वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको पिक्सल्स जो बताया वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब लाइब्रेरी से आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने बताया। अब चलिए बताते हैं आपको कि आप वीडियो कैसे बनाएं। तो इसके लिए दोस्त आपको दो चीज होना जरूरी है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पावर डायरेक्टरी या काइंड मास्टर का यूज करके आप वीडियो डाउनलोड एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए आपको हम काइंड मास्टर के थ्रू आपको हम बताते हैं कि आप कैसे वीडियो। चलिए दोस्तों अब हम खोल लेते हैं काइंड मास्टर। काइंड मास्टर पे देखिए हम पावर डायरेक्टरी काइंड मास्टर दो मतलब कि मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और आप इन दो सॉफ्टवेयर से आप अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो हम सर्च कर लेते हैं काइंड मास्टर। काइंड मास्टर पेड वर्जन और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप काइंड मास्टर का फ्री वर्जन यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या आपको लोगो आएगा, लेकिन आपको क्रैक वर्जन बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा जहाँ से आप क्रैक वर्जन आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए देखिए इंटरफेस खुल गया, हम सारा वीडियो काइंड मास्टर से ही अपडेट करते हैं बनाते हैं। तो चलिए काइंड मास्टर खोल लिए, खोलने के बाद आपको इंटरफेस ऐसे दिखेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे है प्लस का निशान, ये जो प्लस का निशान दिख रहा है, एक सेकेंड हम पेन यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लस का निशान जो दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए प्लस का निशान पर क्लिक करना। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए अगर यूट्यूब लॉन्ग वीडियो बनाना है तो ये 6:9 पे क्लिक करना है। अगर आपको शॉर्ट वीडियो यूज करना है तो आपको 9:60 पे क्लिक करना है, 16 पे। अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 1:1 पे क्लिक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे एक सेकेंड फ्रेंड्स, यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए क्या करना पड़ेगा, 60:9 पे क्लिक करना पड़ेगा। 60:9 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्लिक कर लेते हैं 60:9 पे। अब प्लस यहाँ पे देखिए इस टाइप का इंटरफेस खुल करके आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, आपको बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से भी बैकग्राउंड लेना चाहते हैं आप बैकग्राउंड कुछ भी बैकग्राउंड रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा वीडियो को रिलेशन आगे पीछे कट पेस्ट करने के लिए। नहीं तो आप डायरेक्ट वीडियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये मीडिया जो दिख रहा है राइट कलर को, मीडिया लाइब्रेरी वॉइस एंड ऑडियो। तो देखिए अगर मीडिया कोई आपको फर्स्ट लेयर पे ऐड करना तो आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा। मीडिया पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आप वीडियो एक्सपोर्ट किए हैं वो वीडियो देख लीजिए कहाँ पे है। तो चलिए हम डाउनलोड किए थे वीडियो, उसको हम देख लेते हैं। वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो जो डाउनलोड किए थे यहाँ पर ये वीडियो है। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं हम, और वीडियो क्लिक करने के बाद इस टाइप का आ गया, ठीक है। ये वीडियो को देखिए आप, ये जो है फर्स्ट लास्ट तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कट पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आ गया। अब क्या है, इस पर हमको क्या करना है, कुछ लिखना है, टेक्स्ट लिखना है या कुछ भी करना है, ठीक है ना। अगर टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर टेक्स्ट पर कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए क्विट कैट, क्यूट कैट और स्पेस दे दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिख करके आ गया क्यूट कैट, इसको साइड में कर दीजिए। अब इसका बैकग्राउंड अगर आप देना चाहते हैं कि बैकग्राउंड पूरा मतलब साफ साफ दिखे क्यूट कैट, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये टेक्स्ट पे ही रखना। जैसे ये टेक्स्ट पे टेक्स्ट को सिलेक्ट किए तो इस टाइप का एनिमेशन आ गया, ओवरऑल एनिमेशन आ गया, ऑट एनिमेशन, अल्फा आ गया, रोटेशन मिरर आ गया। अगर रोटेशन मिरर मतलब कि आपको इसका उल्टा चाहिए कुछ भी, तो रोटेशन में करते क्या करना, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे सेलेक्ट कर दिए। देखिए बैकग्राउंड में ब्लैक आ गया, अगर पूरा ब्लैक करना तो इस पर क्लिक करिए, दोबारा बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया और इसको पूरा कर दिए इस टाइप से, तो ये पूरा ब्लैक आ गया। अब फ्रेंड्स आता है कि आप वीडियो ऑडियो कहाँ से ऐड कीजिएगा, सॉरी तो ऑडियो कहाँ से, देखिए एक ऑडियो कहाँ से, तो यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी, अब ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। आप जो ऑडियो जहाँ भी ऑडियो डाउनलोड किए थे, जैसे एल्बम, ठीक है ना, एल्बम और डाउनलोड ऑडियो पे आप क्लिक कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स जो ऑडियो हम डाउनलोड किए थे उस ऑडियो पे क्लिक करके ऐड
कर दिए तो यहाँ पे ऑडियो भी ऐड हो गया। अब इसको हम चलाएंगे तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, हम चलाएंगे पुरानी तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये इस टाइप का आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड सा मेथड आपको काइनमास्टर से आप एक दो बार देखिए प्रैक्टिस मैक्स मैंने परफेक्ट जब आप करना स्टार्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास हैबिट आ जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। मुझे इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटो था कि मैं फंडामेंटल कैसे आप YouTube से अर्निंग करें, कैसे लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, कैसे आपको बतेरे मतलब कि वीडियो YouTube पे मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्पेशल बताएगा कि कैसे आप काइनमास्टर से वीडियो एडिटिंग करें, कैसे आप पावर डायरेक्टर से वीडियो एडिटिंग करें, बहुत मिल जाएगा। वहाँ पे आप मूव करके देख सकते हैं, नहीं तो आपको यही बटन पे मिल जाएगा, यहाँ से भी आप मूव करके देख सकते हैं पूरा डिटेल में। हम यहाँ पर फंडामेंटल ही बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो और एरो है यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको एक्सपोर्ट कर दें। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक करके आप एक्सपोर्ट जैसी करेंगे ये एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हमको एक्सपोर्ट नहीं करना, इसको बैक कर देना। तो आप समझ गए होंगे। अब बात आता है कि जैसे ही एक्सपोर्ट हुआ तो वीडियो कैसे अपलोड करें। फ्रेंड्स तो आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करने के लिए आपको सिंपल सा यूट्यूब खोलना है। ये भी स्टेप आपको बता दें, यूट्यूब खोलना मोबाइल से कैसे अपलोड करें, सिंपल सा यूट्यूब खोलना है। अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है दोनों के बीच में, जो बार बार वीडियो आ जा रहा, और यहाँ पे प्लस का निशान है, इस प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक कीजिए और जहाँ भी वीडियो है वो वीडियो को सिलेक्ट कर लिए। मान लिया कि ये मेरा वीडियो है, इस पे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस टाइप का खुल करेगा, नेक्स्ट कर लीजिए और यहाँ पे टाइटल क्विट वीडियो से रिलेटेड जो भी टाइटल है 8-10 वीडियो देख लीजिए, जो भी सुटेबल आपको टाइटल लगता है वहाँ से कॉपी और यहाँ ला करके पेस्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी 10-5 वीडियो देख लीजिए, उसमें से जो भी डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा वहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। यहाँ अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी आप क्या कर लीजिए, लाइब्रेरी प्लेलिस्ट बना लीजिए और उसको करके के यहाँ से अपलोड कर दीजिए, तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमको ये वीडियो अपलोड नहीं करना, तो क्या करना है, इसको हम क्या कर देते हैं, कहाँ गया, अपलोड होना स्टार्ट हो गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, पॉज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको अपलोड नहीं करना है। तो देखिए अपलोड होना स्टार्ट हो गया, इसको हम डिलीट मार देते हैं क्योंकि मेरे चैनल पे हम इसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कैसे वीडियो अपलोड करें, कैसे थंबनेल बनाएं। आप थंबनेल के लिए बताते हैं कि थंबनेल के लिए थंबनेल एक अच्छा सा थंबनेल कैसे डालना हो। तो थंबनेल के लिए आपको क्या करना फ्रेंड्स, आपको पिक आर्ट प्ले स्टोर पर जाइए, आप प्ले स्टोर पर जाइए, आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे जाना है। अरे यार आपको क्या करना है, यहाँ स्टोर सॉरी देखिए आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है पिक आर्ट्स, पिक आर्ट, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड कर देना है। चलिए यहाँ इनेबल कर देते हैं, यहाँ ओपन कर लेते हैं। थंबनेल बनाना बहुत ही ईजी है, कोई इसमें बड़ा साइंस नहीं है फ्रेंड्स। आप पिक आर्ट से बड़े बड़े यूट्यूबर पिक आर्ट से ही थंबनेल बनाते हैं और इसको यूज करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको पिक आर्ट्स खोल लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है और एडिट फोटो वीडियो एडिट ए फोटो पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपको फ़ोटो है वहाँ जहाँ भी आप डाउनलोड करके रखे हैं फ़ोटो इस पर क्लिक कर लीजिए। नहीं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा क्या करना है, बैकग्राउंड यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, मान लिया कि हम एक कलर सेलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करना है। देखिए इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई इशू नहीं, इसको बंद कर दीजिए और इस टाइप का आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टूल्स की बात करें तो यहाँ टूल्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्रॉप पे क्लिक करना और यहाँ से देखिए ऊपर में देखिए यहाँ पे आप अपना रिजोल्यूशन जो होता है यूट्यूब वीडियो का 1280 से मतलब कि विड्थ 1280 और हाइट 720 होता है, उसको सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेना इस टाइप से, ठीक है। अब क्या करना, आपको इमेज जहाँ पे आपका इमेज है इमेज लेना है, टेक्स्ट में जा कर के आपको बतेरे वीडियो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड्स इस टाइप का। तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहें और जो भी दिक्कत हो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई। देखिए क्यूट कैट का वीडियो आ गया यहाँ पे। अब क्या है, आप या तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना हो, ओके कीजिए और फिर यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए
और क्विट कैट क्विट कैट यहाँ पे था, इस पर सिलेक्ट कर दिए, इसको स्पेस दे दिए, नीचे लिखना है क्विट कैट। तो यहाँ हम क्या कर दिए, बैर नीचे कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, क्विट कैट इस टाइप का थंबनेल जो आपको अच्छा लगा कीजिए। यहाँ पे राइट का निशान है, इस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आगे बढ़ने के बाद ये मांग रहा है कि ऐसे, और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, और सेव होने के बाद हम फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करते हैं, इसलिए बार बार डिमांड मांगे कोई बात नहीं, दो तीन बार कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक सेव इन गैलरी गैलरी पर क्लिक कर दीजिए। अब एक गैलरी में सेव हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, क्या करना है इसका थंबनेल चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, वाई टी स्टूडियो आपके मोबाइल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के, वाई टी स्टूडियो पर जाइए। और आप वाई टी स्टूडियो पर जाने के बाद देखिए जो वीडियो आप अपलोड किए थे, ठीक है ना, वो उस वीडियो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन, यहाँ देखिए थंबनेल पे क्लिक कीजिए, यहाँ कस्टम थंबनेल पे है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और जो थंबनेल अभी डाउनलोड किए हैं उसको अपलोड कर दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे वीडियो एडिट करना है, कैसे थंबनेल अपलोड करना है, कैसे टाइटल लिखना है, और कैसे कैसे कहाँ से वीडियो लाएँ, और कैसे कहाँ से इमेज लाएँ, ये सब कुछ समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे। अभी आने वाले दिनों में इस तरह का वीडियो बहुत सारे बतेरे वीडियो आएगा, जितना मैं जानता हूँ सब कुछ बताने का कोशिश करूँगा, और आपको पूरी हेल्प करूँगा कि कैसे आप भी यूट्यूब से अर्निंग करें। तो आज का वीडियो यहीं तक, आई के वीडियो के लिए हमारे चैनल बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्डक्लूज.com। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।